फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, मेरी बैक वीडियो में हमने डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग देखी थी, अस्तर के ऊपर कैसे बनाएंगे, और अब हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे फ्रंट पार्ट की। इसके बाद हम धीरे धीरे करके इसका जो बैक पार्ट है उसको भी बनाएंगे, और जो भी इसमें प्रोसीजर रहेगी उसको धीरे धीरे करके दो तीन वीडियोज में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अभी फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट को जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इससे पहले इसकी जो है मार्किंग कर लेंगे। जितने भी टक्स की मार्किंग है हमने पेपर पे करी थी, वैसे ही मार्किंग हमको कपड़े पर भी करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वाली साइड से जहाँ पर हुक लूप पट्टी होती है वहाँ से हम 4 इंच आगे गिनेंगे। इस तरह से 4 इंच पे हमको लगानी है एक मार्किंग, और इसको ऊपर तक गिनना है 2.5 इंच के लिए। ये मैंने आपको कपड़े पर भी बता दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर हम मार्किंग बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक बार बना लेंगे। मैं थोड़ा सा चॉक का कलर चेंज कर देती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो डार्क आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 4 इंच पे हमको मार्किंग करनी है, और इसको 2.5 इंच के लिए हम ऊपर इस तरह से गिन लेंगे। ये हमारा पहला वाला और सबसे बड़ा वाला टक्स है, तो यहाँ तक आ रहा है 2.5 इंच। इसको सीधी लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहला वाला हमारा टक्स लग गया है। ये पूरा 2 इंच का टक्स हमने लगाया था, तो इसको 2 ही इंच का पूरा कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच का इस तरह से सेंटर को रखेंगे, 1 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और दूसरी साइड में जो है वो 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से जोड़ना है। मार्किंग करते वक्त थोड़ी सी डार्क करिए, जिसकी वजह से नीचे का जो अस्तर है, ये क्योंकि ये डबल अस्तर है, हमने डबल लिया है, इसके दो दो पार्ट होते हैं तो डबल ही अस्तर होता है। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा कि नीचे के भी फैब्रिक के ऊपर ये इस तरह से छप जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं डबल। इसको बिल्कुल भी गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पहले वाले फैब्रिक पर आप थोड़ा सा डार्क बना देंगे तो नीचे वाले फैब्रिक पर ये आराम से छप जाता है। तो इस तरह से हमको टक्स जो है थोड़े से डार्क बनाने हैं, और डबल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से आप इस तरह से गिनेंगे, ये देखिए। तो यहाँ से हम लेंगे 3 इंच के लिए, 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और इस वाले टक्स के ऊपर इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे, एक इंच का डिस्टेंस देना है, तो सेंटर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग लगाएंगे। और ये वाला टक्स जो है ये इसके साथ इस तरह से हमको जोड़ना है। ये देखिए, इसको डार्क बना दीजिए थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा और डार्क बनाएंगे, क्योंकि नीचे की साइड में भी अच्छे से छप जाएगा। अब फ्रेंड्स, तीसरी वाली साइड है, तीसरी वाली साइड को भी हम इस तरह से गिनेंगे। तो इसको हम 2.5 इंच के लिए गिनेंगे, चाहे तो आप 2 इंच के लिए भी गिन सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 पर एक मार्किंग लगा दूंगी, और इसको फिर से यहाँ से गिनना है, 1 इंच का डिस्टेंस देना है इस तरह से। और अब इसको भी सीधे जोड़ेंगे। सभी टक्स को डार्क बनाना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम लेंगे चौथा वाला टक्स। अब फ्रेंड, चौथे वाले टक्स के लिए यहाँ से हमको 1 इंच का डिस्टेंस देना है इस तरह से, चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, और इसको यहाँ से लेना है नीचे। ये हमारा चौथा वाला टक्स होगा, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अभी हमारे चारों भी टक्स बनके बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, हमारे चारों भी टक्स बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं 1-1 इंच का बीच में डिस्टेंस है, और नीचे की साइड में भी अच्छे से छप चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अस्तर वाला फैब्रिक जो है हम इस मेन फैब्रिक के बीच में रखेंगे, दोनों भी पार्ट रख देंगे, और इस तरह से एक मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। अब एक को इसके साथ लेंगे और एक को नीचे की ओर रखेंगे। अब दोनों साइड का हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अलग हो गया है। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए नॉर्मल जोड़ना है, जैसे हम हर ब्लाउज में जोड़ते हैं। 1/4 इंच का डिस्टेंस देंगे और सभी साइड से इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये पूरी साइड में हमको सिलाई लगानी है, और इसको पैक करना है। 1/4 इंच का डिस्टेंस देते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको
क्वार्टर इंच का डिस्टेंस देके इसको पूरी सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा इसको कट कर देना है। यहाँ पर ये जो मिरर है ये फॉइल मिरर है, इसलिए आपकी सुई बिल्कुल टूटेगी नहीं। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपके जो है स्टोन वर्क होगा या फिर करदाने का वर्क होगा तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो इससे आपकी सुई जो है वो टूट जाएगी। फॉइल मिरर की वजह से ये टूटती नहीं है, इसके ऊपर सिलाई आराम से लग जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और सब तरफ से इसको अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। अब हमको इसके टक्स लगाने हैं। टक्स यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लगाने हैं, जैसे भी आपके टक्स आपने लगाए हुए हैं ऐसे ही लगाना है। अब सबसे पहला वाला जो टक्स है 2 इंच वाला, इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसको डबल सिलाई लगाकर जहाँ पर भी ये टक्स खत्म हो रहा है यहाँ पर से अच्छे से इसको फोल्ड करना है और इसको लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से इसके धागे निकल रहे हैं तो इसको डबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डबल इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पहला वाला टक्स जो है वो अच्छे से लग चुका है। अब हमको लगाना है दूसरा वाला, तो ये यहाँ से दूसरा वाला लगेगा। यहाँ पर हमने कपड़ा जो है वो फोल्ड किया ज़्यादा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा कपड़ा उठाकर इसको फोल्ड करना है, ज़्यादा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े को सीधा पकड़ेंगे और इसको कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा एडजस्ट करके सिलाई लगाएंगे। टक्स की सिलाई जो है वो इसी तरह से आती है, एक साइड में तिरछी सिलाई होती है टक्स की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा दूसरा वाला टक्स, ये हो गया पहला वाला, दूसरा वाला। अब लेंगे तीसरा वाला टक्स, यहां से जहां पर भी मार्किंग है वहां से इस तरह से फोल्ड करा हुआ अच्छे से पकड़ लेना है। यहां पर इसको डबल सिलाई लगाएंगे और जहां पर भी आ रहा है वहां तक आपको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है। इसको डबल सिलाई दे देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वाला टक्स है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला। अब लेंगे चौथा वाला टक्स, जहां पर भी चौथा वाला टक्स लगा हुआ है वहां से हमको इस तरह से फोल्ड करके लेना है। दोनों भी कपड़े एक साथ आने चाहिए, जो भी अस्तर वाला फैब्रिक है वो भी और मेन फैब्रिक भी। इसको भी डबल सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा वाला यहाँ से टक्स लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से टक्स लग गए हैं और कटोरी भी हमारी तैयार हो जाती है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सेम ऐसी ही प्रोसीजर हमको दूसरे वाले पार्ट में बनानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों भी पार्ट जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको बेल्ट जोड़ेंगे, बेल्ट वाला जो भी पार्ट है इसको ले लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है बेल्ट वाला पार्ट और ये प्लेन साइड से लिया हुआ है। तो इसको जोड़ते वक्त हमको एक पार्ट ऊपर की ओर रखना है, एक पार्ट को हम नीचे की ओर इस तरह से रख लेंगे और इसके बाद एक मेन फैब्रिक को इसके साथ लेंगे और एक मेन फैब्रिक को हम इस वाले अस्तर के साथ लेंगे। इस तरह से हमको अलग अलग करना है दोनों को। अब एक साइड का पहले हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इसको सीधे साइड में ही हमको लगाना है और उल्टी साइड में फोल्ड करना है। इसको 1/4 इंच का डिस्टेंस दे देंगे। अब इसको इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने इसीलिए रखा है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको कम ज़्यादा हो जाता है फैब्रिक, तो आप इसको बढ़ा नहीं पाएंगे अगर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपका कहीं पर भी फैब्रिक होगा तो कहीं से भी अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी आप इसको आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमको यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हमको इसको सीधे साइड से सिलाई लगानी है, बिल्कुल पास वाली सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाइए अस्तर वाले फैब्रिक को, और मेन फैब्रिक पे आपको पास वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बिल्कुल अंदर की ओर फोल्ड हो चुका है। अब अंदर भी हमको सिलाई लगानी है इसको अटैच करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा आपका इसको कट कर दीजिए, जो भी मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा रह जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है, अस्तर वाले फैब्रिक को नहीं रखा है। ये देखिए ये हमारी बेल्ट आसानी से बन गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी स्टिच कर लेंगे। इसको भी 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के सीधी सिलाई पहले लगाएंगे और उसके बाद अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर लीजिए और इसको पास वाली सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब वापस एक बार एक सिलाई लगाकर थोड़ा पैक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैब्रिक को पूरी तरह से कट कर लेंगे। अब हमें ये दोनों भी बेल्ट जो है वो अटैच करने हैं मेन पार्ट में। अब जहां पर भी आपकी हुक लूप पट्टी आ रही है वहां पर आपका ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये आना चाहिए हुक लूप पट्टी के पास। आगे का गला जो भी होगा उसके पास ये आपका बड़ा वाला पार्ट आपका आ जाना चाहिए। तो इसमें से जो भी पार्ट आपका यहाँ पर लगेगा उस पार्ट को आप इस तरह से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट यहाँ पर लग रहा है तो इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अब इनको दोनों को साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए 1/4 इंच यहाँ पर भी मार्जिन जो है वो रखना है हमें। ये देखिए इस वाली पट्टी को इसके ऊपर रखकर जोड़ना है, और ये वाली पट्टी जो है ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसको हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमको डबल सिलाई लगाना जरूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा आगे वाला पार्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अब इस पार्ट में सिर्फ हमको हुप लूप पट्टी और आगे की गले की पाइपिंग बनानी है और इसमें कुछ भी नहीं। अब हम दूसरे वाला पार्ट भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे जैसे हमने ये वाला पार्ट ज्वाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से ही ज्वाइन करना है तो इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रख देंगे और अब यहाँ से हमको जोड़ना शुरू करना है। 1/4 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन देंगे। नीचे वाले इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके ही रखना है जिससे कि ये फोल्ड करके ऊपर की ओर रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स
हमारे दोनों भी जो फ्रंट पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बेल्ट भी अच्छे से अटैच हो चुके हैं। यहाँ पर हुप लूप पट्टी लगेगी, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। आगे जो है हम पाइपिंग कर लेंगे। अब अगले जो वीडियो में हम आगे के गले की पाइपिंग और मैं आपको यहाँ हुप लूप पट्टी भी दिखा दूंगी कि हम कैसे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसी टाइप्स की जो और भी वीडियोज़ मेरी देखने के लिए आप हमेशा मेरे चैनल पर आते रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।